बार कुछ अच्छे नई नई अलग अलग कमेंट्स आए होंगे। भगवान जी प्लीज वो सेम वाला कमेंट मत दिखाना मुझे प्लीज। हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ओके देखते हैं। मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, लगता है मुझे किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। चलो डॉक्टर पोपटलाल से मिलते हैं। नमस्ते, myself डॉक्टर पोपटलाल और ये मेरी नर्स मून। लेकिन ये तो एक कुत्ता है। अरे आप वहाँ खड़े क्यों हैं? आराम से यहाँ पर आइए, बैठ कर मुझे प्रॉब्लम बताइए। सब लोग मेरे वीडियो पर सीधे कमेंट करते रहते हैं। She never fails to make us laugh. She never fails to make us laugh. Please आप कोई दवाई लिख दीजिए मेरे स्ट्रेस के लिए। देखिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए दवाई लिखी है, इसको आप लोगे ना तो आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। Thank you so much doctor. You're the best. Good good good. देखते हैं कौन सी दवाई लेनी है। Oh my god. कल जिम में पिछवाड़ा का वर्कआउट करा था तो मेरा पिछवाड़ा बहुत दर्द। तो जो आज का वीडियो होने वाला ना वो आपका वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले कुछ अजीब गरीब डीएम्स। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड, अरे ये चार हो गए, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ अजीब गरीब डीएम्स और उसके बाद में हम कुछ सवाल और जवाब करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे लाइफ के बारे में इंटरेस्टेड है। कौन है ये लोग? मतलब कि मैं इतनी खास भी नहीं हूँ गाइस। लेकिन गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आप नोटिस कर सकते हैं मेरी स्वेटर पर क्या लिखा है? मुझे लगता है कि नेक्स्ट जन्म में मैं मोटरसाइकिल की तरह पैदा होने वाली हूँ। तो अभी हम सीधे पॉइंट पर जाते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास। पता नहीं क्यों लेकिन एक लड़की ने ये लिखा है, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे ऊपर लाखों लड़के मरते हैं, क्या आप हॉस्पिटल का बेड हो क्या? एक लकड़ी ने लिखा है, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, पेंसिल से बना रहे हो पेन से? Damn, it feels good to be a gangster. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सेम चीज डीएम करी है और मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत चिंता करते हैं, मतलब कि बहुत ही स्वीट है। उन्होंने लिखा है बीसी, इसका मतलब होता है बी केयरफुल। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरी इतनी चिंता करने के लिए। मैं केयरफुल, सावधान रहूंगी। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मैं जॉब पर जाती हूँ तो मैं क्या लेकर जाती हूँ, टैक्सी, कार, बस, साइकिल या मोटरसाइकिल? मैं अभी आपको बताती हूँ। यूजुअली लोग जॉब पर कार, मोटरसाइकिल, मेट्रो, टैक्सी, साइकिल से भी जाते हैं, लेकिन आपकी पूरी थोड़ी हटके है और मैं जॉब पर जाती हूँ इसके साथ। इसका नाम है दीनो। अरे दीनो, 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 गुस्सा मत कर, दीनो, 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 अरे दीनो रुक। हां मैं छापरी, हां मैं छापरी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अभी मुझे और डीनो को बहुत प्यास लग रही है तो हम कन्वीनियंस स्टोर जाएंगे पानी पीने के लिए। सेक्सी ला कुकाराचा, ला कुकाराचा या नो पुएदे कमिनार पोर्के नो टिएने पोर्के ले फाल्टा। गुड बाय, खत्म। किसी ने लिखा है तुमसे ही दिन होता है, सो स्वीट। आगे लिखा है खराब, गजब बेइज्जती है। किसी और ने पूछा, दीदी कैन यू गिव अस एन एडवाइस? मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि लव योरसेल्फ, क्योंकि कोई और तो नहीं करने वाला। किसी और ने पूछा, आप घर में सबसे ज्यादा किसके करीब हो? चार्जिंग पॉइंट के। क्या मस्त जोक मारा। एक और लड़के ने डीएम करा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैं या खाना? खाना खाने के बाद में बताती हूँ। एक लड़के ने पूछा है, दीदी क्या आप मुझे कुछ पिकअप लाइन आइडियाज दे सकते हो, मुझे क्रश को इम्प्रेस करना है। इस जवाब का सवाल सिर्फ और सिर्फ पुष्पिंदर दे सकता है, तो पुष्पिंदर से कुछ पिकअप लाइन पूछते हैं कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। सेक्सी एलिफेंट को हिंदी में बोलते हैं हाथी, क्या तुम बनोगी मेरी जीवन साथी? सेक्सी। अभी कुछ सीरियस वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि मेरे लिए थोड़ी सैड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लिन कब आएगी वापस वीडियो में। कुछ टाइम पहले लिन वापस अपने देश चली गई जो कि है चाइना। वो हमेशा के लिए नहीं गई है, वो वापस अप्रैल में आएगी, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोरिया में। लास्ट टाइम जब मैं लिन से मिली थी तो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग करा था, तो अभी मैं आपको वो वाली क्लिप दिखाती हूँ। गाइस यूसुफ आ गया मम्मा, और अभी गाइस लिन आ गई। चिंगू He's so happy to see you after so long. Mama काफी excited हो रहे हैं, सब आ गए ना यहाँ पर। You know who this person is? No. You don't know? Lynn, no. Noara? You don't know? Okay, खाना भी आ गया। लगता
Oh yeah, that's definitely dairy is bad for you. Yeah, exactly. Shouldn't have ice cream. Lynn को जुकाम लग रही है लेकिन फिर भी उसने ice cream निकाली फ्रिज से. तो मुंह में आंदे. You do what you want. But I'm doing. मम्मा खाना आ गया. Ooh. हमने order करा है fried chicken. Hello. Let's turn off the aircon. कुन्यांग अंजा योगी just sit here. चल मगे सिमिदा. अबे enjoy. जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो हमेशा लीन मोमो के साथ यहाँ पर रहती है मेरे घर पर. जा रही है चाइना, पता नहीं कब आएगी वापस. मे बी अप्रैल को, बट अभी पक्का नहीं, शायद बाद में भी आ सकती है. यार एक ही तो दोस्त है मेरी और वो भी जा रही है. मैंने बोला कि मेरी एक ही तो फ्रेंड है, तो फिर योसेफ ने बोला एक ही फ्रेंड है. योसेफ यू आर माय फ्रेंड. आई जस्ट रियलाइज कि हम सब ने ग्लासेस पहन रखे, योसेफ ने पहन रखे, लिन ने भी, मैंने भी और अबे ने भी. मेरे कोरिया में सच्चे वाले दोस्त दो तीन ही और वो भी कोरिया छोड़ के जा रहे हैं. लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कोरिया में आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं. कोरिया एक बहुत ही अच्छा देश है लड़कियों के लिए, बहुत ही सेफ है. मैं बहुत सारी बार रात को 2-3 बजे बाहर जाती हूँ मंगमों को घुमाने के लिए और मुझे थोड़ा बहुत डर भी फील नहीं होता. लेकिन अपना देश तो अपना ही देश होता है, अपने लोग तो अपने ही लोग होते हैं. आपको कितनी भी अच्छी कोरियन आ जाए, आप कितना भी अच्छा इस कल्चर में मेल जुल जाओ ना, फिर भी एक थोड़ा बहुत वो होता है ना कि अरे मैं इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूँ, तो वो वाली फीलिंग होती रहती है. तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना फॉरेनर्स से जो यहाँ पर कोरिया में आए, वो यहाँ पर स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत जॉब करते हैं, फिर वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं. लिन के अलावा बहुत सारे लोगों ने अबे के बारे में पूछा. तो अबे ने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करके वो यहाँ पर कोरिया में आया था सिर्फ छुट्टी बनाने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए. और एक्चुअली आज उसका लास्ट दिन है कोरिया में, तो थोड़ी देर बाद में मुझे उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करना पड़ेगा. तो गाइस अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए. अभी यहाँ के सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी शक्ल भी अजीब सी लग रही है. अभी यहाँ पर अबे को थोड़ा बहुत नाश्ता करवा देते हैं. हाउ इज इट अबे? गुड गुड गुड. मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा थोबड़ा इतना चिकना क्यों होता रहता है, मतलब कि मैंने सिर्फ स्किन केयर ही लगाई है और कुछ नहीं लगाया. ग्लो मार रहा है, ग्लो. इतनी लाइट तो जो लाइट बल्ब होता ना वो भी नहीं मारता. कैसा लगा कोरिया? बहुत ही अच्छा लगा. नेक्स्ट वन, दीदी आपका हेयर केयर रूटीन बताओ. तो कुछ मैंने पहले मैंने जो मेरा हेयर केयर रूटीन है ना वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और मेरे बाल बहुत ही मतलब कि बहुत ही बेटर लग रहे हैं. और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो मेरा हेयर केयर रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चीप है. ऐसा नहीं कि आपको कोरियन प्रोडक्ट की जरूरत है, नो 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 नो. आपको सिर्फ दो चीज की जरूरत है जो कि आपको कहीं पर भी मिल सकती है. सबसे पहले आप लीजिए एक कटोरी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालना है. कैस्टर ऑयल को हिंदी में बोलते हैं अरंडी का तेल. आई डोंट नो व्हाट इज सो फनी, ऐसा लगता है कि मैं कोई गाली दे रही हूँ. उसके बाद में आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालना है. इसको अच्छे से स्क्वीज करना है इसके अंदर. और उसके बाद में इस मिक्सचर को अच्छे से अपनी खोपड़ी में मसाज कीजिए. मसाज करने के बाद में इस तेल को अपनी खोपड़ी पर 3-4 घंटे रखिए और उसके बाद में शैम्पू लगाकर वॉश कर दीजिए. और ये रहा फाइनल रिजल्ट. ये वाला रूटीन मैं हफ्ते में 1 या 2 बार फॉलो करती हूँ और आपको कम से कम इसको 3 से 6 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा. सो गाइस आज के सिर्फ इतना ही. होप कि आपको आज का भी ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, कौन से पार्ट पर आप ज्यादा हंसे, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा. और मैं आपको जल्दी से मिलती हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो. तो अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पढ़ना. आई लव यू गाइस, बाय. ये पानी और इसका टेस्ट है पानी जैसा. डार्लिंग मैंने एक ऐसा आइडिया इन्वेंट करा है ताकि मैं तुम्हें पटा सकूं. क्या बात है, इस आइडिया को आप फिश टैंक लेके जाना, क्योंकि शार्क टैंक तो आप नहीं जा सकते.